صلواه عليك يا أبا عبد الله، صلواه عليك يا ابن رسول الله، روحي وجسمي الفدا يا غريب، السلام عليك يا حسين يا غريب الأتشان، السلام عليك يا غريب يا مظلوم ويا شهيد بأرض كربلاء، وجسمه بقي ثلاثة أيام بلا غسل بلا كفن بلا كافور. إنا आज़ादारो, दश्ते करबला में शाम गरीबा आ गई। एक आज की रात और एक कल की रात थी। कल की रात शब शहीदा थी और आज की रात शाम गरीबा। कल की रात बहन के पास भाई मौजूद थे, बच्ची के पास बाप का साया सामने था, अजवाज के सुहाग सलामत थे, खैमे लगे हुए थे, फर्श बिछे हुए थे, सरों पे चादरें और चिराग जल रहे थे। लेकिन आज़ादारों, जहरा के पुरसादारों, ये सिर्फ 24 घंटे और करबला में इतनी बड़ी तब्दीली के भाई बहन से अलग हो गया, बच्ची यतीम हो गई, अजवाज के सुहाग उजर गए, खैमे जला दिए गए, फर्श लूट लिए गए, सरों से चादरें छीन ली गई। और जब करबला में सूरज डूबा तो शामे गरीबा आ गई। आज़ादारों, सैयदा आपके दरमियान में बैठी हुई है, आज सैयदा को पुरसा देना है। लेकिन सैयदा को किसका पुरसा देंगे, किसका पुरसा दिया जाए सैयदा को? अब तो अकबर भी शहीद हो गए, कासिम शहीद हो गए, अब्बास असगर भी नहीं, अब तो मुनादी सदा दे चुका, अला कद कुतल हुसैन बिकरबला, अला कद ज़ुबिह हुसैन बिकरबला। हुसैन को करबला में कत्ल किया गया, हुसैन को करबला में ज़िबह किया गया। आज़ादारो, सानिये जहरा तिल्ले ज़ैनबिया में खड़ी थी, जब तक हुसैन घोड़े पे थे तो ज़ैनब को नजर आ रहे थे, लेकिन जब हुसैन घोड़े से घिरे, कौम अश्किया
अलिया ने हुसैन को घेर लिया। अब हुसैन ज़ैनब को नजर नहीं आ रहे। ज़ैनब घबरा गई, परेशान हुई, सज्जाद के पास दौड़ी, शाना हिलाया। सज्जाद बेटा उठो, मेरा हुसैन किस हालत में है मुझे इतना तो बता दो। ज़ैनब ने सज्जाद को सहारा दिया। सज्जाद खेमे में आते हैं, खेमे का पर्दा हटाया, बाई तरफ देखा तो बाबा नजर नहीं आ रहे, दाई तरफ देखा तो बाबा नजर नहीं आ रहे, सामने देखते हैं बाबा नजर नहीं आते। एक मर्तबा ऊपर देखा आसमान की तरफ, बे इख्तियार फरमाया अस्सलामु अलैका या अबाब रसूलल्लाह। ज़ैनब तरफ गई, सज्जाद मेरा भाई, मेरा हुसैन तो जमीन में था, तू ऊपर देख के किसे सलाम कर रहा है? सज्जाद गरीब इमाम फरमाता है, भी अम्मा शिमर अभी अभी बाबा का सर तन से जुदा कर दिया, ये देखिए बाबा का सर नोके नेजा के ऊपर चढ़ गया। अजादारो मक्तल में शामे गरीबा आ गई, फातिमा का लाल नोके नेजा पे सो गया। अजादारा ने इमाम मजलूम करबला, सज्जाद बैठ गए, ज़ैनब सज्जाद के पास जमीन पर बैठ गई। बीबिया में कोहराम बरपा हुआ, वाह हुसैना की आवाजें बुलंद हुई। जालिमों ने हुक्म दिया के खेमे लूट लिए जाए, खेमे जला दिए जाए। जालिमीनों ने आले मोहम्मद के खेमों के ऊपर टूट पड़े, खेमे जलाने लगे, खेमे लूटने लगे। बीबिया एक खेमे से दूसरी खेमे तक, रसूल की नवासिया एक खेमे से दूसरी खेमे तक। एक मर्तबा सारे खेमे जल चुके, सज्जाद का खेमा है, सारे बीबिया। ज़ैनब कहती है सज्जाद सारे खेमे जल चुके, अब क्या हुक्म है कि इस खेमे में जरकर मर जाए या बेहिजाब बेमकना और चादर खेमे के बाहर कदम रखे? सज्जाद बीमार इमाम फरमाता है, पुफी अम्मा जान बचाना वाजिब है। अल्लाह अल्लाह क्या कयामत आ गई। जहरा की बेटी ज़ैनब जो बाबा के सामने भी बेपर्दा नहीं आया करती थी, अजादारो ज़ैनब ने पहला कदम खेमे के बाहर रखा, सर पर हाथ, सर को पीटने लगी, वाह हिजाबा, हाय मेरा वो हिजाब, हाय मेरा वो हिजाब। एक मर्तबा फुरात की तरफ रुख किया, भैया अब्बास तेरी गैरत को क्या हो गया? ज़ैनब की चादर लूट ली गई, ज़ैनब का हिजाब, हाय हिजाब। एक मर्तबा मदीने में सज्जाद बैठे हुए थे, मोमिनों ने पूछा सज्जाद जब आपका आखिरी खेमा जला तो आपके घराने की क्या हालत थी? सज्जाद के पास हाथ में तस्बीह थी। सज्जाद ने कहा अगर ये तस्बीह के दाने अगर बिखर जाए इस तरह से हमारा घराना मोहम्मद का घर करबला में बिखर कर रह गया।
अजादारो करबला में एक बच्ची थी, नन्ही सी बच्ची, 4 साल की उम्र थी। जब भी गिरिया करती थी तो जालिमीन तमाचे मारते थे। बच्ची गिरिया करती थी, मुंह पर तमाचे रखते लगते थे। हाय बीबी, एक खेमे से दूसरे खेमे तक। हाय बीबी, एक बीबी के साथ एक बीबी से दूसरी बीबी के पास भागती थी। एक मर्तबा उस बच्ची के दामन में आग लग गई। एक इंसान आगे बढ़ता है, उस बच्ची के दामन के आग को बुझा देता है। एक मर्तबा बड़ी हसरत बड़ी निगाह से बच्ची ने उस इंसान को देखा, कहा, तेरा शुक्रिया कि तू मेरे दामन की आग बुझा दिया, तेरा शुक्रिया। हम यतीमों के लिए करबला में कोई नहीं बचा जो रहम दिखाए। ए इंसान, तू कौन है? उस इंसान ने कहा, इससे तेरा कोई मतलब नहीं। बच्ची फरमाती है, इतना एहसान कर दिया तो फकत एक और एहसान कर दो। क्या एहसान? कहा, नजफ का रुख बता दो। नजफ जाके क्या करोगी? दादा अली को कहूंगी, दादा मेरी फूफी अम्मा की चादर, दादा मेरे रुखसारों की रंगत, दादा मेरे बाबा का लाशा गोरों किताबों से पामाल। अजादारों, जहरा के पुरसा दारो, एक मर्तबा जैनब ने सारे बच्चों को सुला दिया। सहमे हुए बच्चे थे, सिसकिया ले लेके सारे बच्चे सो गए। एक मर्तबा मुअर्रिख लिखते हैं कि हुर की जौजा कुछ बीबियों के साथ पानी लेकर और तबर्रुकात ले आई, जैनब के खिदमत में रखा। अजादारो, जैनब की क्या हालत हुई होगी जब जैनब ने पानी को देखा होगा और अब्बास नजर न आए होंगे। अजादारो, जैनब ने हुर की जौजा का इस्तकबाल किया, हुर को हुर की जौजा को बिठाया। सखी इब्ने सखी की बेटी है ना, फरमाती है, ए हुर की जौजा, तुम्हें हुर का पुरसा कबूल। अब हुर की जौजा पुरसा देना चाहे तो किसका पुरसा दे? एक मर्तबा जैनब पानी का कूजा लेती है, जहां सहमे हुए बच्चे हैं वहां दौड़ती है। भाई की वसीयत याद आ गई, जैनब मेरी सकीना, जब भी तुम्हें पानी मुयस्सर हो तो मेरी नन्नी बच्ची को 2 कतरे पानी पिला देना। एक मर्तबा जैनब सकीना के पास आई, सकीना बेटी उठो उठो, पानी आ गया। सकीना नींद में थी, सिसकिया ले लेके सो रही थी। एक मर्तबा सकीना ने आंखें खोली, जैनब को देखा, हाथ में कूजा को देखा। जैनब फरमाती है, सकीना पानी पी लो, पानी आ गया। याद रहे, सकीना ने अब्बास का लाशा न देखा था। सकीना नींद से उठकर कर फरमाती है, बुभी अम्मा, क्या चचा अब्बास आ गए? अब जैनब बताए भी तो क्या बताए? एक मर्तबा जैनब कहती है, नहीं चचा ना आए, लेकिन पानी आया। सकीना कहती है, फूफी अम्मा, आप भी तो कई रोज की प्यासी है। जैनब ने फरमाया, जहां बच्चे छोटे होते हैं सबसे पहले पानी उन्हें दिया जाता है। सकीना खड़ी हुई, मक्तल की तरफ जाने लगी। सकीना, कहा जा रही हो? बुफी अम्मा, आपने ही तो कहा था ना, जहां छोटे बच्चे होते हैं उनको पानी दिया जाता है। हाय मेरा असगार, हाय मेरा नन्हा भाई। अजादारो, एक मर्तबा सानिया जहरा एक एक को गिनना शुरू किया। हर एक बीबी को गिनती है, हर एक बच्ची को गिनती है। एक मर्तबा जैनब ने चिल्लाया, सकीना सकीना। कहा, बीबिया के पास जाती है, सकीना नजर नहीं आती। फुरात के किनारे गई, भैया अब्बास, क्या सकीना को देखा? कुछ जवाब न मिला। एक
एक मर्तबा जंगल की तरफ चले गई। एक मर्तबा ज़ैनब एक बेसर लाश के पास आती है। एक मर्तबा उस बेसर लाश से आवाज आई, ज़ैनब जरा आहिस्ता जरा आहिस्ता, सकीना सो रही है। ज़ैनब ने सकीना को उठाया, गले से लगाया, कहती है सकीना बेटी, छोटे बच्चे घर के बाहर रात को नहीं जाया करते। बड़ी मासूमी में सकीना ने कहा, फूफी अम्मा भैया असगर भी तो बाहर है ना, बाबा भी तो बाहर है। एक मर्तबा ज़ैनब ने फरमाया, सकीना बेटी तुम्हें कैसे पता चला कि ये बाबा का लाशा। सकीना ने फरमाया, एक मर्तबा मैं बाबा को ढूंढ रही थी, कहना चाहती थी बाबा मेरे गोशवारे, बाबा मेरे गाल पे तमाचे, बाबा। एक मर्तबा इस लाशे से आवाज आई, बुनैया इलैया इलैया, सकीना मेरे पास आओ, आओ मेरे पास। ज़ैनब सकीना को वापस खेमे में लाई, सब बच्चे सो गए। एक मर्तबा जब अब्बास नहीं, कासिम नहीं, अकबर हुसैन भी नहीं, एक मर्तबा ज़ैनब खेमों का पहरा दे रही है। टूटा हुआ नेजा है, अब्बास की बहन हुसैन की बहन खेमों का पहरा दे रही है। एक मर्तबा ज़ैनब ने देखा कि एक घोड़ा सवार आ रहा है। ज़ैनब ने फरमाया, एक घोड़े सवार हम लुट चुके, खेमे में और कुछ नहीं, सहमे हुए बच्चे हैं, सिसकियां लेके सोए हुए हैं, अगर कुछ लूटना चाहते हो तो कल आ जाना। सो घोड़ा सवार न रुका, आगे बढ़ता गया। अली की बेटी ज़ैनब को जलाल आया, एक मर्तबा कह फरमा है, ए घोड़ा सवार इधर रुक जा वरना बाबा को नजर से पुकारती हूँ। उस घोड़े सवार ने अपने चेहरे से नकाब को पलटा, बेटी ज़ैनब मैं अली, तुम आराम करो मैं हिफाजत करता हूँ। ज़ैनब बाबा के कदमों से लिपटी, बाबा क्या अब आए हो, बाबा तब कहाँ थे जब हुसैन के गले में शिमर का कुंद खंजर चला। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।